बाबा खाटू श्याम दे मंदिर दे विच चोरी हुई है गोलकां तोड़ के, चार गोलकां तोड़ के लफाफे भर के चढ़ावा जिहड़ा चढ़दा है वह चोर लै गया है। देख सकते हो तस्वीरां, सीसीटीवी तस्वीरां दे विच दब्बे पैरी आउंदा है चोर, कंध टप के मंदिर दे विच दाखल हुंदा है, फिर एक करके इस दे वल्लों चार मेन गोलकां तोड़ियां गईयां जिहड़ी कि मूर्तियां दे सामने पईयां सी। हुण तस्वीरां दे विच देख के यह भी नहीं दस्सिया जा सकता कि यह नंगे पैरी सी या फिर इसने बूट पाए हुए सन, तो जेकर बूट पाए हुए तो बेअदबी का भी मामला है। तो दस दिए कि तस्वीर दिखा रहे हैं तुहानू मोगा के खाटू श्याम मंदिर तो सामने आ रही ने, जिथे चार गोलकां तोड़ के दो चोर पैसे लफाफिया दे विच भर के लै गए ने। मंदिर के पुजारी का कहना है कि दूजी बार है जो इस मंदिर के विच चोरी हुई है। मंदिर के पुजारी ने दो कबाड़ियां ते शक जताया है, तो मंदिर के पुजारी के बयान तहत दो कबाड़ियां ते हुण मामला दर्ज कर लिया गया है। तो देखो ध्यान नाल तस्वीर किवें दब्बे पैरी मंदिर दे विच दाखल हुंदा है, हाथ दे विच पलास या किसी होर हथियार दे नाल ए दान पात्र जिहड़े कि गोलकां हुंदियां ने उस दे ताले तोड़दा है, तो लफाफे दे विच पैसे भर के फरार हो जांदा है। इसका एक साथी मंदिर दे बाहर निगरानी रख रहा हुंदा है। तो दो सीसीटीवी तस्वीरां सामने आईयां ने जिस दे विच दोने चोर कैद होए ने। आओ मंदिर दे पुजारी दा इस उपर की कहना है जानदे आं। यहाँ पे चोरी 3 दिसंबर को रात्रि को जी, और लगभग रात को 3:15 बजे से और 4:30 बजे के बीच, 4:30 बजे के बीच में जो है चोरी हुई है, 3:30 और 4:45 बजे के बीच में जी। तो यहाँ पर दो बंदे आए हैं, एक बंदा नीचे खड़ा रहा, एक बंदा चोरी करने के लिए ऊपर आया है। वो बंदा ऊपर आया, मेन गेट था जो उसका लॉक उसने तोड़ दिया, तोड़ के अंदर आया, अंदर चार गल्लों में जो कैश था वो कैश उसने निकाला और चोरी करके जो कैमरे लगे हुए थे जी यहाँ पे उन कैमरों को नुकसान पहुँचा के और यहाँ से जो कैश था नगद उसको लेकर चले गए। कितने गल्लों से चोरी करके? यहाँ पर चार गल्ले लगे हुए हैं जी, चारों गल्लों का ही उन्होंने तोड़ दिया। तो कोई हथियार था, कैसे तोड़ा गया? हाँ, उनके पास कोई हथियार था जी, उन्होंने अपने पास से हथियार निकाला और उस हथियार के साथ ही, हर बार लगभग 3 बार चोरी हो चुकी हैं, हर बार उस हथियार को यूज करते हैं ये लोग। पहले कितनी बार चोरी हुई? इससे पहले भी आज जो चोरी हुई, इससे पहले भी 2 बार चोरी हो चुकी है जी। पहचान में आ रहे हैं कौन है? पहचान में देखो आशंका तो पूरी है जी, जिस बंदे के ऊपर डाउट है वो यहाँ पे रात को कबाड़ी का काम करते हैं, कबाड़ी खरीदने के लिए आते हैं दिन में और रात्रि को गल्लों को तोड़ते हैं जी। तो कितना कैश कितना ले रहे हैं? कैश लगभग अंदाजा आपकी बार जो है कैश कम था क्योंकि 10 दिन पहले गले हमने खोले थे जी, अंदाजा हो सकता है 5-7 हज़ार के करीब उसमें कैश था। एक गले पे काफ़ी टाइम लगाया उसने तोड़ के, उसमें से ऐसा था जी वो मेन गला था और बड़ी मजबूती से बनवाया हुआ था, उसको ये सोच रखा था कि अभी ये तो काफ़ी मजबूत है टूटेगा नहीं, लेकिन उन बंदों का एक्सपीरियंस इतना तकड़ा रहा, उन्होंने उस बंदे को उस गले को तोड़ने में 3 से 4 मिनट ही लगाए और सारा कैश निकाल करके उसमें से ले गए। ऐसा जी मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि सबसे पहले तो नकेल कसी जाए इस तरह के लोगों के ऊपर, और जो दिन भर ये कबाड़ी का काम करते हैं, कुछ खरीदते हैं बेचते हैं, इन लोगों के ऊपर पूरी नज़र रखी जाए, और रात को जो मंदिर आदि के जो संस्थाएं हैं इस तरह की, जो मंदिर हैं या धर्मस्थल हैं, उनके ऊपर पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाए ताकि उसकी सुरक्षा की जा सके। मंदिर के चोरी हुई है कि कार्रवाई की है? एक जी साढ़े को दरखास्त दी थी पुजारी जी ने कि खाटू शाह मंदिर के चोरी हुई है, फुटेज साढ़े को है, तो असी उत्थे मौके पर जाके पड़ताल की, पड़ताल तो पाया गया तो भी 2 बंदे आते चोरी करके ले जाते हैं, गले भन्ने गए थे, फुटेज की सहायता ना ही 2 बंदे ट्रेस करके उन्होंने खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी कर। तो पहला भी चोरी हुई है? हाँ, दसन मुताबक हुई है जी, पहले भी चोरी। थोड़े वालों की कार्रवाई है? साढ़े वालों मुकदमा दर्ज है जी, दोषियों तला जारी। पता लगा किन्ने पैसे लै गए जी? पैसे हुण कहिंदे भी 4-5 दिन पहले उन्होंने गल्ला खोलिया सी जी, हुण पता लगे 5,000 रुपए के करीब लेके गए।